किसानों की ओर से मजदूर को काफी धन्यवाद दिया जाए। जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ यहाँ पर पश्चिम दिशा वायु राज परियोजना ये परियोजना तेलुघाट बांध प्रबंधन के द्वारा ये सिंचाई बांध परियोजना है और राज परियोजना है। मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ ये बांध परियोजना के अंतर्गत आता है। तेलुघाट बांध परियोजना ये राज परियोजना यानी नदी का पानी को रोक और डाइवर्ट करके नहर में भेजना यह 78 को या 79 को इसका मिट्टी का नहर में इसका निर्माण हुआ था जो शुरू से ये तो पानी कुछ दूरी पर यानी 20 किलोमीटर तक पानी को रोक सीमावत तक जाती थी। उसके बाद फिर ये बीच बीच में ठेकेदारी होता रहा नेताओं का नेतागिरी होता रहा। 2012 में 2011 में इसका प्रकरण बनी थी ये मालूम हो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना थी और राज्य सरकार द्वारा इनको तत्कालीन मुख्यमंत्री 2009 में सीएम के पीरियड में भी उनका हवाई सर्वेक्षण हेलीकॉप्टर से किया माननीय मुख्यमंत्री और इस परियोजना का अंत 2012 में इसमें स्वीकृति मिली 132 करोड़ रुपया और बढ़ते बढ़ते ये परियोजना का आपका लाख राशि 150 करोड़ के लगभग में परिणत हुई। लेकिन इसका निर्माण काल से लेकिन जब ये जो कंक्रीट का देख रहे हो और जो मिट्टी का था उसका जो चीज इसका निर्माण करा जा रहा था खेल जगह निर्माण काल में इसका जमीन को जोता जा रहा था। इसका जीवन हमने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से हमने उजागर करते रहे और अखबार में भी स्थान मिला। मैं तत्कालीन उपायुक्त महोदय गोकारो को भी पत्राचार के माध्यम से ये वायु राज परियोजना दुधारू गाय न जाने साबित न हो जाए जिसको लेकर हमने विशेष साहब तत्कालीन उनको भी पत्राचार किए। लेकिन ठेकेदार का कार्य की गुणवत्ता किसी प्रकार का कोई हमने सुधार नहीं देखने को पाए और हम जानते सकते ये परियोजना सफल नहीं होगा। ये पहले जैसे सुधार हो जाए कारू लेते था और ये परियोजना शुरू होते ही एक दो साल टिके कि ना टिके इसका भी कोई गारंटी नहीं और मेरा हमके साथ साझा साबित हुआ। आप देखिए कि हमने तो पीछे वो नहीं जा पाए। ये बताइए कि जी सरकार की योजना है और इसमें लगभग 150 करोड़ इसमें खर्च हुआ और कहीं ना कहीं ये उदाहरण है और हमको सुनने में आया है वहां तो मैं नहीं जा पाया
लिए आप समझ सकते हैं कि इसका लाभ मांगेगा जिसमें जा रहा है वो अधूरी इसमें मेरा अपना अनुमान और आकलन के अनुसार मैं बात को साझा कर रहा हूं कि नहर निर्माण काल से ही कई एक नेताओं का शादी ब्याह में कई एक क्विंटल क्विंटल खस्सी भी पहुंचा है। शादी में पंडाल का भी इसी नहर से उनको डोनेट मिला है। अच्छा। और सब के सब भाजपा नेता है और उन्होंने यदि उस संवेदक का मैनेजर को मैंने उसका एक बार घेरे थे, उन्होंने इस बात का मेरे सामने, ये शाम का समय मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी किसान का बेटा हूँ, उन्होंने साफ साफ, जरूरत पड़ेगा तो मैं नाम का भी खुलासा करूँगा, उनका नमुआ याद नहीं रहा, टाटा के ही वो मैनेजर थे, उन्होंने बोले कि बावरी जी आपको छोड़कर सब नेता लोग हमको दूह के खा गया। हम बोले भाई कौन नेता लोग, खुलासा कीजिए। उन्होंने भाजपा नेताओं का ही नाम का खुलासा किया था। बोला मैं आपको बता देता हूँ,
हैं, इस चीज को रिकॉर्डिंग मत कीजिए, कि सब नेता लोग इस भविष्य में बहने वाली गंगा में अभी से पानी छोड़ा नहीं गया, अभी से गोता लगा रहा है। बोला क्या बोले? हम बोले तो आप ठेकेदारी करने आए, बहुत बड़ा दाता संवेदक है क्या, न क्या करें, सरकार है उनकी, धमकी मिल रहा है, नहीं करेंगे तो काम नहीं करने देगा। यहाँ तक भी बात आया था सामने, बेटा का शादी होगा, भाई का शादी होगा, खस्सी चाहिए, पंडाल चाहिए, कहाँ से होगा नेताजी? ये बात उनका मैनेजर मौछू जी हम लोग बोलते थे, जब इसी परियोजना का ये लेके जब एक तरफ काम चल रहा था, धस जा रहा था, तो मैंने उनको इस चीज़ के लिए उनको मैं सवाल किया था, उन्होंने जवाब में वही चीज़ हमको बताया था। तो यही विकास पुरुष है, कहीं ना कहीं नगर नहर निर्माण में जो गड़बड़ी हुई है, जो अनियमितता बरती गई है, उसको लेकर हमारे जेएमएम के नेता किरण बावरी जी काफ़ी आक्रोशित हैं। माननीय सीएम हमारे हेमंत दा को भी इन्होंने चिट्ठी लिखने की बात कही है और इनका निष्पक्ष जांच हो। फिलहाल ये रिपोर्ट कैसा लगा, अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह दूसरी योजना जो चल रही है उसमें भी काफ़ी गड़बड़ी हो रही है। आप तमाम भाई हमें सूचित करिएगा, ज़रूर हम लोग दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि भारी गड़बड़ी, भारी अनियमितता सामने आ रही है। फिलहाल लेते हैं आप लोग विदा।